हरि ओम। रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन, जो 4 पदों में विभक्त है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद के सूत्र नंबर 23 से लेकर 29 तक महर्षि पतंजलि ने ईश्वर पर चर्चा की है। उनके इसी समाधिपाद का 23वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानद्वा, अर्थात ईश्वर का तात्पर्य किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक चेतना से है। ये ना तो शारीरिक है न मानसिक, बल्कि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। यदि साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्रद्धा, ऊर्जा आदि की अवस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ने में असमर्थ है, तो वह उच्चतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता अपना सकता है, जो ईश्वर के प्रति प्रबल भक्ति है। कुछ योगियों को जन्म से ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, अन्य लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, गहन तीव्रता वाले गंभीर प्रयास। अनेक साधक ऐसे भी होते हैं जो वांछित अभ्यास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें आवश्यक क्षमता का अभाव होता है। फिर भी उनके लिए भी आशा है। पतंजलि जी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गहन ईश्वर भक्ति के एक रूप निश्चित मार्ग की अनुशंसा करते हैं। प्रणिधान, प्रणिधान शब्द का अर्थ है पूर्णतया अप्रतिबंधित और सम्यक समर्पण। यह अपनी सजगता, अपने मन, अपने विचार और चेतना को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इससे भी साधक को निर्वीज समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। वे अपने भक्त पर प्रसन्न होकर भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त का मन कैसा हो, तो कहते हैं, कोठरी मन की सधारक साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। और इसी क्रम में कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, ईश्वर की खोज हम कहाँ कर सकते हैं, तो कहते हैं, कस्तूरी कुंडलिनी बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया जान ना पाई। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण कैसा हो, सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो एक अमुक घर की लड़की की शादी, उसका पाणी ग्रहण संस्कार एक अमुक घर के लड़के से होता है, और जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है तो वह लड़की अपना सर्वस्व अपने पति के श्री चरणों में समर्पित कर देती है। शादी होने के पश्चात उस लड़की का अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ अपने पति को समर्पित रहता है। यदि साधक इसी प्रकार अपना सर्वस्व ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे, तो उसी को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। अगले सूत्र में 24वें में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय रपरा मृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उनके बारे में कहा गया है कि पतंजलि में ईश्वर की उनकी आध्यात्मिक चेतना के रूप में है, जो इतनी शुद्ध है कि कर्म और उसके प्रभावों से उसका कोई संबंध नहीं है। भारतीय साधना में अनेक प्रकार के योग सम्मिलित हैं, जैसे राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, कर्म योग, लय योग और
तंत्र योग, परंतु उनका मूल आधार परम सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। एक व्यक्ति ईश्वर के प्रति तभी समर्पित होता है जब वह अपनी सीमाओं के प्रति सजग होता है। जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है तब वह भटकता नहीं है और वह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण शीघ्रता से आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधनों में से एक है। ईश्वर एक विशेष पुरुष है जो पंच क्लेशों, चार प्रकार के कर्मों और कर्मों के बीजों से सर्वतः मुक्त है। क्लेश पांच हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश सभी के मन में जड़ रूप में समाये हैं, पर ईश्वर इन सब से मुक्त है। चार प्रकार के कर्म, पुण्य पाप, पुण्य और पाप मिश्रित, पाप व पुण्य से रहित, इनमें परिणाम होते हैं, जैसे आयु की लंबाई, सुख दुख, जन्म का प्रकार। ईश्वर इन पक्षों से भी मुक्त है। अपने कर्मों के कारण ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा जन्म होता है। हमारा स्वास्थ्य, आयु की लंबाई, सुख, मानसिक विकास हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा प्रभावित होते हैं। उनके साथ ही हम जीवन में अपने कर्मों के अवशेष एकत्र करते जाते हैं। कर्मावशेषों का यह भंडार, जिसे हम कर्माशय कहते हैं, बढ़ता जाता है। अगले जन्म में शुद्ध या अशुद्ध, शुभ या अशुभ परिणाम भोगते हैं। ईश्वर इन कर्माशय से भी पूर्णतः मुक्त है। सांख्य के अनुसार ब्रह्मांड में अनेक पुरुष हैं और ईश्वर उन सब में श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार अन्य मनुष्यों के समान होने के बावजूद एक राजा की शासक होने के कारण एक विशेष प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार ईश्वर एक विशेष पुरुष है, क्योंकि वे उन तत्वों से पूर्णतः मुक्त रहते हैं जो अन्य मनुष्यों को बांधे रखते हैं। अन्य पुरुष भी स्वाभाविक रूप से प्रकृति से मुक्त होते हैं, किंतु वे प्रकृति के संपर्क में आते हैं और इस संपर्क में आने के कारण उन्हें विभिन्न जन्मों और पूर्व जन्मों से गुजरना पड़ता है। ईश्वर इन चक्रों से पूर्णतः मुक्त है। चेतना की इस विशेष अवस्था को पुरुष विशेष कहते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें इसी श्लोक को, तो कहते हैं कि अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश, चार कर्म, कर्मों का फल विपाक और कर्म संस्कारों के समुदाय को आशय कहते हैं। समस्त जीव इन चारों से अनादिकाल से संबंध है। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं रहता, तो वे भी पहले तो संबंध था ही, किंतु ईश्वर तो कभी भी इससे न संबंध था, न है और न होने वाला है। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। अगले सूत्र में 25वें में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीजम अर्थात सर्वज्ञता का बीज, कारण कहते हैं कि जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सतिशय है और जिससे बढ़कर कोई ना हो वह निरतिशय है। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है, उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे निरतिशय कहते हैं। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश आदि की पराकाष्ठा का आधार भी ईश्वर को समझना चाहिए।